हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूल विधि और संविधान के 40 क्वेश्चनों के बारे में। ये जो 40 क्वेश्चन हैं, 13 दिसंबर 2017 को जो पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन आए हुए थे। ये इसी सीरीज का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट 1 बाई पार्ट डिस्कस करेंगे आगे चलकर। और ये मूल विधि, जैसे कि कल हमने हिंदी के 40 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, उसी के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो मूल विधि और संविधान आता है, और इसमें जीएस भी जुड़ा रहता है, सामान्य ज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस लगा हुआ है, कल भी बताया हुआ था। सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं और संविधान के भी 40 क्वेश्चन आते हैं, और ये मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से 40-40 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है, 2.5 मार्क्स का रहता है। इस तरीके से आपके हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स कवर करता है। ये मूल विधि और जिस जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आज हम लेने वाले हैं उसी सब्जेक्ट का ये सिलेबस दिया है, जो कि 3 सेगमेंट में बटा हुआ है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो ये टोटल कुल 40 नंबर का आना है। देखिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अगर एक एक सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन उठाया तब भी 50 से 60 या 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इनसे आते भी नहीं है, जैसे एफडीआई से एक क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ गया, जियोग्राफी से एक क्वेश्चन आ गया, तो कोई कोई ना कोई सब्जेक्ट तो रह ही जाएगा ऐसा जिससे क्वेश्चन ना आए। तो पढ़ना सारे पढ़ते हैं। अब इन 40 क्वेश्चनों के माध्यम से आइडिया लग जाएगा कौन से एक्ट या कौन से अधिनियम से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, देखिए 40 नंबर 1 है, मतलब ये 41 नंबर पे आया हुआ था 2017 में, जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, 3 सूची बनी हुई है, एक राज्य सूची बनी हुई है, एक केंद्र सूची बनी हुई है और एक संवर्ती सूची बनी हुई है। केंद्र सूची जो बनी हुई है संविधान के अंदर, तो केंद्र सूची में वो सब्जेक्ट दिए हैं जिन पर केवल केंद्र का अधिकार है, केंद्र ही उन सूचियों में दिए गए सब्जेक्ट पर काम करती है, और जो राज्य सूची दी गई है उसमें केवल राज्य काम करता है, और एक जो नई सूची है वो है संवर्ती सूची, जिनमें केंद्र को भी अधिकार है और राज्य को भी अधिकार है कि वो अपने काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो जनसंख्या नियंत्रण, ये एक केंद्र का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये तो राज्य सूची में नहीं आएगा। भूमि और भवन पर कर, ये आपका राज्य का विषय है, ये किसका है, राज्य सूची में आता है। श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, ये श्रमिक विवाद जो है ना, ये संघ के, ये केंद्र में आते हैं, केंद्र सूची जो है उसके अंतर्गत। रोजगार और बेरोजगारी, ये भी केंद्र के अंदर आते हैं। तो भूमि और भवन पर कर, ऑप्शन नंबर वी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में देखिए 47 सीट्स जो है ना वो जनजाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है, और 84 सीट्स जो है वो ये एसटी के लिए है, और 84 सीट जो है ना वो एससी के लिए आरक्षित है लोकसभा की सीटों के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, याचिका दायर की गई? तो ये क्या होता है, देखिए ये भी मूल विधि का पार्ट है। जब पीआईएल पढ़ेंगे आप, तो ये पीआईएल एक्चुअली में वो लोग दायर करते हैं या वो एजेंसी द्वारा दायर की जाती है कोर्ट के अंदर जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, जैसे कि कहीं पे बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो बहुत ज्यादा लोगों के हेल्थ के साथ हेल्थ इफेक्ट हो रही है, उन्हें रहने में तकलीफ हो रही है, बहुत सारी डिसीज डेवलप हो रही हैं, तो कोई ऐसी एजेंसी आएगी जो जनहित को देखेगी और एक याचिका दायर कर देगी कि इस कार्य से लोगों को बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो इसको कुछ ना कुछ उस पर ऐसे उपाय सुझाएं या ऐसे काम करें ताकि बहुत कम उसका पॉल्यूशन है ना कम हो जाए। तो
तो ये गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका, तो ये थी एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ये इन्होंने जनहित याचिका लगाई थी। इन्होंने क्यों लगाई थी, क्योंकि 168 जो कारखाने दिल्ली के अंदर हैं वो इतने ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे थे कि दिल्ली के लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि घर से निकलना मतलब आपको कोई ना कोई डिसीज डेवलप ही होना, इस तरीके की कंडीशन, भयावह कंडीशन बन रही थी। तो इन्होंने एमसी मेहता बनाम भारत संघ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप से खुद को कूट करता है। देखिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसमें कंप्यूटर भी जुड़ा रहता है। मैंने बताया ना पहले ही, 3 सेगमेंट में ये बटा हुआ है, 40 मार्क्स आना है, लेकिन इसमें 80 सब्जेक्ट दे के रखें। अब 80 सब्जेक्ट आप पढ़ो तब जाके आपको वो क्वेश्चन कवर होगा, और मे बी कभी कभी ये कवर भी ना हो। तो ये जब हर बार वायु प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीफॉर्मिक वायरस। पॉलीफॉर्मिक वायरस जो होता है वो क्या करता है, हर बार प्रणाली को संक्रमित करता है और अपनी प्रतिलिपि बना लेता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45। किस देश ने 1914 में, ये जीएस का क्वेश्चन आ गया, 1914 में जापानी स्टीमर कोटा कोटा का कोमा गाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। एक ये एक जहाज है, सिप है, सिप एक प्रकार का, इसके लिए मना कर दिया था। तो कनाडा ने मना कर दिया था, स्टीमर जहाज कोटा कोमा गाटा मारू जो सिप है उसके लिए एंट्री से मना कर दिया था कनाडा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 1956 में जो अलग अलग स्टेट बनाए गए थे, सबसे पहले जो उनका मतलब मानदंड क्या थे, किस प्रकार अलग किया गया था ये, तो इसका राइट आंसर है भाषागत और संस्कृति के आधार पर। सबसे पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज और उनकी संस्कृति अलग थी, इसलिए उसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनका डिवीजन किया गया था। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिरूपित संहिता का संशोधन संस्करण इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। तो देखिए सिंगापुर में जो आईपीसी 1860 में बनी थी उसी प्रारूप पर सिंगापुर में भी लागू है, बुर्नेई में भी लागू है और श्रीलंका में भी लागू है। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 47 का सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरस की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त तो पहले भारतीय कौन थे। तो एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी देश की आजादी के समय, तो उसमें सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राजनीति के निदेश सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। राजनीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के संदर्भ में बात की गई यहाँ पर। तो सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो एकदम करेक्ट है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, नहीं, इनसे न्यायालय में आप नहीं जा सकते। देखिए राज्य का कर्तव्य है लोगों को रोजगार देना, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, बट आप ये नहीं, इस मामले को उठा के न्यायालय के पास नहीं जा सकते कि हमारा राज्य जो है ना हमको प्रॉपर सुविधाएं मुहैया नहीं करवाता, तो आप उनके खिलाफ केस दायर कर दें, तो न्यायालय में नहीं जा सकते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जिसमें ए दिया है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 49 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी। देखिए महिला आयोग की अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है, महिला उस समय भी 2017 में भी रेखा शर्मा थी, अभी भी रेखा ही शर्मा है, और केवल राष्ट्रीय महिला आयोग से नहीं, और भी जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन है, तो अल्पसंख्यक के हैं सैयद घैरुल हसन रिजवी जो हैं वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो HL दत्तू हैं, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो है ना वो प्रियंका कानूनगो हैं, और
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो है ना नंद कुमार साई हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं रामशंकर कठेरिया जी हैं, और पिछड़ा वर्ग आयोग है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके भी अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहिनी जी जो है ना उसके अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख प्रमुख जो कमीशन है उनके अध्यक्ष इम्पोर्टेंट होते हैं। ना अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? अनुवांशिक विकार बोले तो वो जन्म से ही नहीं आता, तो बड़ा तो हमेशा जन्म से आता है। ये जो अतिरिक्त स्त्रब्ध रोग है ये भी जन्म से ही आता है, और मॉक्सो डेमा भी जन्म से आता है, बस आरंजकता जो है ये जन्म से नहीं आता, ये बाय एनवायरमेंट या बाय कोई डिसीज के माध्यम से डेवलप होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यातायात से हमेशा एक साइन भी आता है यातायात के नियमों से, तो इस जो साइन देके रखा है इसका मतलब बताना है हमको क्या होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ये गोल रास्ता है, आगे रास्ता घूम कर है, सभी दिशाओं में वाहन आ रहे हैं, बाएं से आ रहे वाहन को रास्ता दें, ये दो तो बिल्कुल है ही नहीं। अब आगे रास्ता घूमकर है और गोल रास्ता है, आगे रास्ता घूमकर है, अगर रास्ता घूमकर होता तो कहीं डायरेक्शन होता कि इधर घूम के ऐसे जाना है, ठीक है, या फिर इधर डायरेक्शन होता कि इधर कहीं जाना है, ये तो घूम ही रहा है ना, तो ये रास्ता कैसा है? गोल रास्ता है। कैसा है? गोल रास्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ना रबर का कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो केरल जो ऐसा स्टेट है जो 70% से भी अधिक जो रबर है ना वो भारत की, जो 70% से अधिक रबर है ना वो केरल के अंदर निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन भूमि गैर आदिवासी अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्य के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती, तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासी अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं? तो सरकार किनको देगी? क्या तो यह सरकार का कोई उपक्रम है उसके लिए जमीन देगी, या कोई आदिवासी लोग हैं उनके लिए जमीन देगी? तो ये समता बनाम आंध्र प्रदेश का मामला, आंध्र प्रदेश राज्य का मामला था, उसमें ये जो वर्डिक्ट आया था तो उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था। तो जो भी उच्चतम न्यायालय फैसला सुनाता है उस समय से ये सामान्य कानून के रूप में आगे चलता रहता है, कि ये जो फैसला सुनाया है आगे चल के कोई भी ऐसा वर्डिक्ट बनता है तो उसमें यही फैसला का रेफरेंस लेके उसको सॉल्व किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना समता बनाम आंध्र प्रदेश का जो बाद आया था उसमें ये वर्डिक्ट सुनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो कौन सा जो एक्ट था उसके माध्यम से फिर गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा मिला था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आया था उस समय ये दर्जा मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, मैंने बताया ना कि मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन और जीएस, ये तीन पोर्शन है, इन तीनों पोर्शन में से 40 मार्क्स का आपका आना है, ठीक है। तो इसमें से ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ है। जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? जलोढ़क मतलब जो नदी द्वारा निर्मित बहा के लाई जाती है ना वो उससे है, तो नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि से है जलोढ़क तलछट का अर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? देखिए इस पेपर के हिसाब से उसका आंसर जो है ना वो सीबीआई को, अभी जैसे सीबीआई को डायरेक्ट किया है कि आप उन संस्थाओं जो भ्रष्टाचार से दुरुपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार लेकर काम कर रहे हैं, अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनकी लिखित कंप्लेन दर्ज करो, ये सीबीआई को। जैसे सीबीआई के अभी प्रमुख कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं, ठीक है। जैसे आईबी के प्रमुख हैं अरविंद कुमार हैं, ऐसे सीबीआई के ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं। और जो सीबीसी होता है ना, सेंट्रल
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, वो है संजय कोठारी जी। तो ये नाम इस संस्था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सीआईसी की बात की जाए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ना वो संजय यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। और आर एक एजेंसी और रहती है आरएडब्ल्यू, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके डायरेक्टर या जो चीफ जो है ना वो सामंत गोयल जी हैं, सामंत गोयल, ठीक है। और एक और एजेंसी है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। उसके प्रमुख जो है ना युगेंद्र चंद्र मोदी जी हैं, युगेंद्र चंद्र मोदी जी। और एक और एजेंसी है ईडी, जिसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्टरेट बोलते हैं। इनके जो चीफ हैं वो हैं संजय कुमार मिश्रा जी। तो ये एजेंसियों के प्रमुख आपको याद रखना होगी इस मूल विधि के कंटेक्स्ट में, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत जल्दी से जवाब कर सकें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनी होगी। तो कुल मिला के ये बात कर रहा है कि संसद जो है ना वो कौन से आर्टिकल में बात करी गई संसद बनने के बारे में। तो आर्टिकल 79 संसद के निर्माण के बारे में बात करता है। 79 बताता है कि एक राज्यसभा होगा और एक लोकसभा होगा, ठीक है, दो सदन होंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 3 जो हमको बताता है वो अपने नए राज्यों के निर्माण के बारे में बताता है, और जो अभी राज्य बने हुए हैं उनकी सीमा निर्धारण और उनके नाम परिवर्तन के बारे में बताता है, ठीक है। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। जो राष्ट्रपति है ये तो पता है कि राष्ट्रपति जो है ना वो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राज्यों के। अब सुझाव मतलब किन की एडवाइस पे करते हैं ये बताना। तो ये प्रधानमंत्री जो रहता है ना इनकी एडवाइस पे करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। मतलब इनमें से कौन सा रीजन जो है वो बहुत लंबे समय तक के विकास और विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध होगा, बहुत अच्छा सिद्ध होगा। तो औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास, चलो देखते आगे। वनों उन्मूलन, क्या वनों को काटना हमारे देश के लिए विकास का काम है? बिल्कुल गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, ये तो और देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। आप विकसित देशों को कम सेवाएं, ये तो कम सेवाएं करेंगे तो और देश है ना देश में विकसित थोड़ी होगा, अविकसित होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी 500 मिलियन डॉलर की एक नए ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ घोषणा की। मतलब उन्होंने ऋण लिया है इंडिया ने 2016 के अंदर, तो वो कौन से कंट्री से लिया है? तो वो कंट्री लिया है वियतनाम से। ये बाकी जो कंट्री दे के रखी है इनको तो हम खुद ही ऋण देते हैं, इनसे हम क्या लेंगे, तो वियतनाम से लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार आरटीआई, तो आरटीआई कब आया? सबसे पहले ये देखो, आरटीआई आया 2005 में, वो भी 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को आया। तो आरटीआई के बारे में ये क्या जिक्र कर, तो आरटीआई में सबसे पहले अध्याय देखें, अगर अध्याय की बात करें तो उसमें पूरे 5 चैप्टर हैं और 31 तुम्हारी सेक्शंस हैं। सेक्शंस मतलब धाराएं हैं, ये 5 चैप्टर हैं और ये सेक्शंस हैं, और 2 जो है ना वो अनुसूचियां हैं, ठीक है, अनुसूचियां। तो इस तरीके से ये तुम्हारा बनता है आरटीआई एक्ट, 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू है, ठीक है। सूचना का अधिकार जिसे बोलते हैं आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है, मतलब कौन सा सेंटेंस जो है ना वो प्रॉपर है, करेक्ट है आरटीआई के अकॉर्डिंग टू आरटीआई। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादा कागज पर किया जा सकता है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, सादा कागज पे नहीं, उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो आपको भर के देना पड़ेगी तभी कोई सूचना मिलेगी। सूचना पाने के पीछे क्या कारण है,
सूचना प्राथी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये तो मान सकते हैं, ये नहीं बता ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों सूचना ले रहे हैं। आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूछा है इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, तो ऑप्शन नंबर बी मतलब ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तो गलत है, उनका प्रॉपर फॉर्मेट है वो फिल करके आपको देना पड़ेगी, तभी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना दलाली खाता खोलने एक विदेशी संस्थान के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है। तो ये क्वेश्चन है इकोनॉमी से, तो इसे बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, GDR। ठीक है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम मतलब लार, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013, जो कि ये देखिए सबसे पहले 2013 में आया था और ये 31 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है, 31 दिसंबर 2013 से। लार, लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 से लागू है। ठीक है, तो इसमें 13 अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं, चैप्टर कितने हैं, 13 चैप्टर हैं, 217 नहीं सॉरी 114 इसमें धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। 114 तो क्या है, इसमें सेक्शंस हैं जिन्हें हम धाराएं बोलते हैं, और 4 इसमें अनुसूचियां हैं। ये पूरा का पूरा एक्ट बना हुआ है इससे, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण भी है इसमें, पुनर्वास जिसे बोलते हैं रिहेबिटेशन और पुनर्स्थापना यानी रिसेटलमेंट। 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं, मतलब इस एक्ट के अंदर बताया गया है सरकार किस किस चीज के लिए भूमि लोगों से ले सकती है, सामरिक प्रयोजन के लिए या परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं, और सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए। यहाँ भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही होगा, नहीं ये निजी के लिए तो बिल्कुल नहीं ले सकती, सहभागिता के लिए सरकार 2 चीजों के लिए ले ले सकती है, एक सामरिक प्रयोजन और परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना। जैसे कहीं पे कोई बाढ़ वाला एरिया आ गया तो वहां के लोगों को क्या करना है, रिसेटलमेंट करना है उनको, उनके लिए दोबारा पुनर्वास करना है, उनके लिए तो जगह देना पड़ेगी, तो उनको उठा के कहीं ना कहीं रखना पड़ेगी दूसरी जगह पर। तो ये ए और बी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय में बाल अधिकारों का संरक्षण उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई। तो 2007 में आया था हमने हमारा बाल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है, तो मेलवेयर क्या है, एक रूट किट एक प्रकार का मेलवेयर है। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर पे आके आपको एडवर्टाइजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के एडवर्टाइजमेंट बिना इजाजत के दिखाता रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रा, इकोनॉमी से फिर वापस से क्वेश्चन आ गया, तो इकोनॉमी के देख रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, जैसे कि एक शेयर बाजार से भी आया था। तो अभी देखिए, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रा स्फीति का एक प्रकार नहीं है, तो द्रुत मुद्रा स्फीति भी होती है, अति मुद्रा स्फीति भी होती है, मंद मुद्रा स्फीति भी होती है, लेकिन लागत जन और मुद्रा स्फीति ये कोई सी मुद्रा स्फीति नहीं होती। तो उन्होंने नहीं का पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये GS क्वेश्चन है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो पहले इंडियन जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था महाभारत का, तो वो किसारी मोहन गांगुली जो थे, उन्होंने पहली बार महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रण प्राधिकरण वर्णित विकलों विकलों नहीं विकल्पों में से कौन सा है, इन विकल्पों में से कौन सा है। तो जो भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रण कौन रख सकता है, तो देखिए मंत्रालय तो नहीं रखेंगे, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका नियंत्रण रहता है, बी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
शब्द भेदिया लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो ये शेयर मार्केट से संबंधित है, क्वेश्चन भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इकोनॉमी के 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से, हाँ लगभग 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, शेयर बाजार से संबंधित है, ठीक है। 71 क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आर्टिकल 63 राज्यपाल के बारे में बताता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये अनुच्छेद आर्टिकल आपको 63 बताता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पहले सेंटेंस को। विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति ना देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, भेज सकता है, ठीक है। आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकता है, कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इनके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी है। नहीं, अवहेलना कभी नहीं कर सकता। वो जो राष्ट्रपति राज्यपाल रहता है वो राज्य का जो मंत्रिमंडल रहता है उन्हीं के सुझाव पे अक्सर काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल एक पहला वाला सेंटेंस सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो देखिए पर्यावरणविद जो है ना वो मेधा पाटकर भी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा भी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट भी हैं, अरुंधति रॉय नहीं है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इन्होंने चिपको आंदोलन भी चलाया हुआ था। तो 2009 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला हुआ था, 2009 के अंदर, ठीक है। और ये उत्तराखंड के रहने वाले। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला था? तो 2017 के लिए, देखिए ऑस्कर अवार्ड जो है ना ये 2000 ये 1929 से, मतलब 1929 से दिए जा रहे हैं। कब से? 1929। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। और 2017 में कैसी अफ्लेक अफ्लेक को दिए गए थे, कैसी अफ्लेक को, ठीक है। और अभी 2021 में भी ये इसकी घोषणा हो चुकी है, जो कि 2021 में 93वें नंबर के अवार्ड जो है ना वो मिल चुके हैं। अभी इसमें देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ना वो नोमाड लैंड जो है ना उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म की घोषणा की गई है, वो सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला उसको। और उसी के डायरेक्टर जो है वो क्लो झाउ है। डायरेक्टर कौन है? क्लो झाउ, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और उसी की एक्ट्रेस जो है फ्रांसिस मैकडोरमेंट, उन्हीं को सबसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्टर की बात करें 2021 के लिए जो मिला है एंथोनी हॉपकिंस को, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, एंथोनी हॉपकिंस। और लेकिन इनकी मूवी जो है एंथोनी हॉपकिंस की जो मूवी है वो है द फादर, द फादर जो मूवी है उनमें इन्होंने रोल किया है। और ये सबसे एजेड जो है ना एक्टर हैं अभी तक के, एंथोनी हॉपकिंस को मिला है द फादर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2021 का पूछा जाए तो। और ये 93वें अवार्ड थे जो मिले हैं, ठीक है। और बेस्ट मूवी जो है ना वो आपकी नोमैड लैंड, ठीक है। और उसी के जो डायरेक्टर हैं क्लो झाउ, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। इस तरीके से ये 2021 के भी खत्म हो जाते हैं और 2017 में केसी अफलेक को मिला है, ठीक है। भारत में किस पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई है कि उसके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घटित हो गई। मतलब जो बना रहे थे वो छुपा के, जो गुप्त तरीके से बना रहे थे उसका निर्माण हो रहा था, वो उसकी जानकारी उद्घटित हो गई, मतलब प्रकट हो गई, किसी लीक हो गई। तो ये स्कॉर्पियन जो है ना जो फ्रांसीसी सहयोग से बना रहे थे, फ्रांसीसी, तो स्कॉर्पियन नाम की जो पनडुब्बी है इसके बारे में बात की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अच्छा तो देखिए शपथ जो है ना अनुसूची 3 जो दे के रखी है उसमें शपथ के बारे में प्रारूप दिए गए हैं। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति इसी प्रकार की शपथ लेता है, संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा, ठीक है।
और उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेता है। बिल्कुल सही है। तो इनके दोनों के प्रारूप अलग-अलग रहते हैं। सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ जो लेता है वो उपराष्ट्रपति लेता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्श परिस्थिति में एक नए, क्वेश्चन नंबर 76 है, आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे के पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। 76 का कौन सा आंसर है? टीटो पोटेंसी। टीटो पोटेंसी ये थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन है। टीटो पोटेंसी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुना और बैतवा नदियों का संगम कहां पर होता है? तो देखिए, यमुना निकलती है उत्तराखंड के ग्लेशियर यमुनोत्री से, ठीक है, और बैतवा जो है मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलती है। ये दोनों जाके हमीरपुर के अंदर मिलती हैं, हमीरपुर जो कि यूपी के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन नंबर 78, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? वो कौन सा ईयर है जहां पर दोनों सदन, निम्न सदन और उच्च सदन? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका 1952 में इन दोनों की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 79, खालिस्तान यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्त्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिए गए हैं। तो ये फॉर्म नंबर 16 जो है, 79 का क्वेश्चन है, फॉर्म नंबर 16 में ये पता चल जाता है, ये सारी चीजों की कटौती हो चुकी है और सरकार को जमा भी कर दिए गए। तो फॉर्म नंबर 16 में ये जानकारी दी रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। देखिए, मूल अधिकारों की बात की गई है। स्वतंत्रता किन किन चीजों में हो सकती है? कोई भी पेशा अपनाना, बिल्कुल ये आपकी स्वतंत्रता है, कोई भी पेशा अपना सकते हो। भाषण की स्वतंत्रता, बिल्कुल ये भी आपकी स्वतंत्रता है, भाषण की। अस्पृश्यता का उन्मूलन, नहीं, ये स्वतंत्रता, ये समानता का अधिकार में आ गई है। धर्म का पालन एवं प्रचार, ये धर्म और दूसरे पर। तो कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इस तरीके से ये छह, कुल टोटल छह अधिकार देके रखे हैं। आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक ये अधिकार दिए गए हैं। उसी में स्वतंत्रता का अधिकार जो देकर रखा है, समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें कोई भी पेशा अपना सकते हैं आप, और भाषण की स्वतंत्रता, ये दो आपको अधिकार मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा ये पार्ट आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो है ना बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू।